नानसेठम आभपयान सच सुवान व्रज्रम वयंती तवेशवाऊतम बंबचेर लो गोत्तम समय पुते लो गोत्तम समय पुते परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिश वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों आज परम उत्कृष्ट और लोकोत्तर पर्व सम्वत्सरी का दिन है इस पावन पर्व के विषय में हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह पर्व स्वयं अपने आप नहीं चल पड़ा वरण चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर ने स्वयं इसकी व्यवस्था की थी समवायांग सूत्र का मूल पाठ इस प्रकार से उपलब्ध होता है समने भगव महावीरे वासनंग सवीस राय मासे वही कंते क्षत्रियिंग रायन्द्रहिंग शेषिंग वासावासंग पज्जो सेवई श्रमण भगवान महावीर ने चातुर्मास के एक महीना और बीस दिन गुजर जाने पर और सत्तर दिन शेष रह जाने पर पर्यूषण पर्व की आराधना की थी कल्पसूत्र में भी ऐसा ही वृतांत उपलब्ध होता है कि श्रमण भगवान महावीर ने चातुर्मास के पूरे पचास दिन व्यतीत होने और सत्तर दिन बाकी रह जाने पर संवत्री पर्व की आराधना और परियोपासना की थी इसीलिए इस परम पुनीत पर्व की महिमा अनिर्वचनीय है किसी वंश के पूर्वज किसी महान कार्य के लिए कोई दिन नियत कर देते हैं तो सदा सदा के लिए उस दिन का महत्व उस वंश परंपरा के लिए मान लिया जाता है तो फिर सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीत राग प्रभु के द्वारा निश्चित किए गए इस पर्व के महात्म्य और महिमा का तो कहना ही क्या है यह तो संपूर्ण समाज के लिए आराधना किए जाने योग्य परम पुनीत पावन प्रसंग है हमारी आजकल की धार्मिक परंपरा के अनुसार पर्युषण पर्व आठ दिनों का माना जाता है जबकि शास्त्रों में यह केवल एक ही दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ला पंचमी यानी सिर्फ आज का ही फिक्स डिटरमिन और निश्चित किया गया है प्रथम के सात दिन तो आज के संवत्सरी पर्व की सम्यक रूप से आराधना करने के निमित्त तैयारी करने के समझने चाहिए जिस तरह एक बादशाह किसी शत्रु पर धावा बोलने हमला करने से पूर्व धावा बोलने के लिए निश्चित किए गए दिन से पहले सेना का संगठन अस्त्र शस्त्र का संग्रह रसद पानी की व्यवस्था आदि तमाम बंदोबस्त इंतजाम अरेंजमेंट्स और व्यवस्थाएं करता है ठीक उसी प्रकार राग द्वेष विषय विकार वासना क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों और कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए निश्चित किए गए इस संवस्थरी पर्व के पहले सात दिनों में हमें तैयारी और प्रेपरेशन करनी चाहिए इन दिनों में अहिंसा संयम तप और त्याग के द्वारा अपना आध्यात्मिक बल स्पिरिचुअल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए जिससे आत्मा को प्रतिक्षण अवनत करने वाली कषाय रूपी अग्नि बुझकर शांत हो जाए बंधुओं आज का दिन साधु और श्रावक दोनों के लिए समान रूप से आराधना करने का पावन मौका और अवसर है वैसे जैन शास्त्रों में ग्रस्तों की अपेक्षा साधुओं पर इस पर्व की पालना करने आराधना करने का कुछ ज़्यादा ही बोझ और बर्डन भार दिया गया है यदि कोई साधु प्रमादवश संवस्त्री पर्व की आराधना नहीं करता तो उसके संयम को चारित्र को दोष लगता है और पुनः संयम को ग्रहण करना प्रायश्चित करके अपनी विशुद्धि प्योरिफिकेशन करना उसके लिए लाजमी और जरूरी होता है निश्चित सूत्र में कहा गया है पज्जो सवनाए न पज्जो सेवई प्रत्येक संयमशील साधु साध्वी आज के दिन अपने ज्ञान दर्शन और चरित्र में लगे हुए दोषों की सच्चे हृदय से आलोचना करते हैं और प्रतिक्रमण में चौरासी लाख जीव योनियों के तमाम जीव जंतुओं से क्षमा याचना करते हुए अपने भीतर की कदूरत वैमनस्य और विद्वेश को समाप्त करने की चेष्टा और पर्यटन करते हैं साधुओं के समान ग्रिस्तों को भी पूरी सावधानी के साथ इस पर्व की आराधना करनी चाहिए आत्मिक विकारों को देखने और उनका प्रतिकार करने का पर्यटन करना चाहिए साथ ही दान शील तप और भावना के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा धर्मोपार्जन करते हुए अपनी आत्मा को निर्मल उज्जवल और पवित्र बनाना चाहिए बंधुओं आज के दिन अहिंसा के प्रचार में और अनाथों असहायों जरूरतमंदों लाचारों दीन दुखियों पशु पक्षियों के संरक्षण में उनके उद्धार में और ज्ञान वृद्धि के कार्यों में अपने द्रव्य अपनी लक्ष्मी को लगाकर आपको पूर्ण लगन के साथ पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जित करने का पर्यटन करना चाहिए बहुत अधिक करना अगर संभव ना भी हो तो भी आपको कम से कम अपनी शक्ति और ताकत का सही आकलन और अनुमान लगाते हुए कुछ ना कुछ त्याग और दान तो अवश्य करना चाहिए आज के समय में जो व्यक्ति चोरी करता है वह दंड का भागी माना जाता है किंतु पुराने वक्त में जो व्यक्ति कृपण और कंजूस होता था अपने सुख साधनों पर फनियर सांप बनकर बैठा रहता था जरूरतमंद की सहायता करने के लिए तत्पर नहीं होता था वह भी दंड का भागी और समान श्रेणी का अपराधी पापी समझा जाता था बंधुओं यह स्मरण रखना चाहिए कि भौतिक संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती पकड़कर रखने की चेष्टा करे तो यह उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है किंतु अगर इसकी उपेक्षा की जाए तो यह स्वयं को इग्नोर करने वाले के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देती है कबीर जी इसीलिए तो कहते हैं जल बड़े यदि नाव में घर में बड़े यदि दाम दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम संवस्त्री पर्व पर दानशील तप और भावना के द्वारा हमें ज्यादा से ज्यादा धर्मोपार्जन करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए जो व्यक्ति इन श्रेष्ठ कार्यों में तत्पर रहते हैं वे ही व्यक्ति देवलोक से आए हुए माने जा सकते हैं सदा प्रसन्नम मिष्ट वाणी सुशीलता च स्वजनेशु सख्यम सताम प्रसंग खल संग त्याग चिन्नानी देह त्रिदिव दिव्य कौन से लोग देवलोक से चवन करके धरती पर आने वाले होते हैं उनके क्या लक्षण क्या सिम्टम्स होते हैं हमेशा प्रसन्न मुख रहना प्रिय और मीठी वाणी बोलना सज्जनों का संग करना नीच लोगों की संगति से दूर रहना सुशीलता का पालन और आचरण करना दूसरों के साथ हमेशा सद्व्यवहार करने में संलग्न रहना यही देवलोक से इस धरती पर आने वालों के जीवन में पाई जाने वाली विशेषताएं और स्पेशलिटीज होती हैं और इन्हीं से व्यक्ति अपने जीवन को भविष्य के लिए भी उज्जवल और कल्याणकारी बनाने में समर्थ हो सकता है आज के दिन हम चौरासी लाख जीव योनियों के प्राणियों से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं खामे में शव्य जीवा सव्य जीवा खमंतु में मेती में सब भुएसु वैरम मज्जम ना के नहीं मैं संसार के सभी प्राणियों से क्षमा याचना करता हूँ और अपनी ओर से सभी को क्षमा प्रदान करता हूँ सभी से मेरी मित्रता है किसी के साथ वैर भाव नहीं है किंतु क्या तोते की तरह उक्त पाठ बोलने से क्षमा याचना हो जाती है क्या घर बैठे हाथ जोड़ लेने मात्र से दुश्मनी मिट जाती है क्या सबसे मित्रता और प्रेम की स्थापना होना मुमकिन और संभव हो जाता है नहीं उनके प्रति आत्मीयता का भाव रखने से करुणा रखने से उनके प्रति सहानुभूति का रवैया अख्तियार करने से उनकी सेवा करने से दान देने से उनके प्रति आत्मीयता का भाव रखने से और उनके प्रति रहम सद्भावना अपने हृदय में बनाए रखने से ही यह सब कुछ होना मुमकिन और संभव है इस छोटे से ब्रीफ जीवन में किसी को किसी से भी राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी वैर बांधने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए किसी ने हमारा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना किया हो किंतु उसे उदारतापूर्वक क्षमा करते हुए हमें जहाँ तक संभव हो सके उसका भला करने का प्रयास करना चाहिए क्षमा के दिव्य गुण को किसी भी स्थिति में कमजोर और दुर्बल होने नहीं देना चाहिए यह सजगता और सावधानी रखनी चाहिए एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे उन्होंने एक बिच्छू को पानी में छटपटाते हुए देखा बाहर निकालने की भावना से उन्होंने उस बिच्छू को अपनी हथेली पर चढ़ा लिया बिच्छू ने डंक मारा हाथ हिल गया बिच्छू पानी में गिर गया दोबारा यही क्रम हुआ और यही दस्तूर यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहा महात्मा जी बार बार उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे बिच्छू अपने स्वभाव के मुताबिक डंक लगाता रहा और डंक की वेदना की वजह से हाथ के कांपने के कारण वह बार बार पानी में गिरता रहा पास ही एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ था उसने महात्मा जी से निवेदन किया महात्मन, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप बार बार इस बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह बार बार आपको डंक पर डंक मारे जा रहा है क्यों इसके माध्यम से आप स्वयं को कष्ट और तकलीफ पहुंचवा रहे हैं इसे इसके हाल पर इसकी किस्मत पर छोड़ दीजिए महात्मा जी ने शांति से हंसते हुए कहा महाशय डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और प्राण बचाना मनुष्य का स्वभाव और धर्म है जब यह बिच्छू होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो फिर मैं मनुष्य होकर अपने नैसर्गिक गुण को कैसे छोड़ दूँ वास्तव में क्षमा मनुष्य का एक नैसर्गिक गुण है जिसे व्यक्ति को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए वेदों में कहा गया है मित्र से अहम चक्षुषा सर्वानी भूतानी समीक्षणताम मित्र से चक्षुषा माम सर्वानी भूतानी समीक्ष मैं संसार के सभी प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखता हूँ और सभी प्राणी भी मुझे इसी तरह मित्रता के नज़रिए और दृष्टिकोण से देखें जैन शास्त्रों का तो मूल मंत्र प्रधान सूत्र ही यही है कि प्रत्येक प्राणी के प्रति आत्मीयता का भाव रखना चाहिए क्योंकि सब में अपने जैसी आत्मा समाई हुई है सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हर स्थिति में व्यक्ति के अंत्यकरण में रहना चाहिए सब भूयस भु, सब भूयप भूयस मृति में सब भुयसु कोई भी प्राणी विश्व मैत्री का विरोध नहीं करता सभी यह चाहते हैं कि विश्व का प्रत्येक प्राणी मैत्री के प्रगाढ़ सूत्रों और बंधनों में आबद्ध हो जाए कोई किसी का दुश्मन शत्रु और वैरी ना रहे किंतु इसके लिए जैसा हृदय बनाने की जरूरत है जैसा हृदय अपना कोई भी बनाने की चेष्टा और प्रयास प्रयत्न नहीं करता आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग बिना नींव के विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की इमारत को खड़ा करना चाहते हैं क्या नींव के बिना किसी इमारत का खड़ा होना मुमकिन और संभव है नहीं कदापि नहीं आप सोचेंगे कि विश्व बंधुत्व की नींव क्या है सबसे पहले तो आध्यात्मिकता की भावना इस नींव में होनी चाहिए इसके अभाव में कोई भी आर्थिक शैक्षणिक अथवा कोई भी अन्य आधार इसको मजबूती और स्ट्रेंथ प्रदान नहीं कर सकता जब तक हमारी प्राचीन अध्यात्म प्रधान संस्कृति का पुनरुत्थान और रहने नहीं होगा तब तक विश्व बंधुत्व वैश्विक भाईचारे की भावना का प्रचार और प्रसार होना कदापि संभव नहीं हो सकता समझ लीजिए विश्व मैत्री विश्व बंधुत्व यूनिवर्सल ब्रदरहुड के नारे और स्लोगन्स लगाने मात्र से विश्व का कल्याण किसी स्थिति और किसी भी दशा में नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ लेने से और सिर्फ शब्दों के द्वारा चौरासी लाख जीव योनियों के प्राणियों से क्षमा याचना कर लेने से हमें अपने पापों भूलों और गलतियों से छुटकारा नहीं मिल जाता वास्तव में हमें अपने व्यवहार पर हार्दिक पश्चाताप और करना चाहिए किसी के प्रति भी चले आ रहे वैर, विरोध, और को मन वाणी और शरीर से दूर करने बाहर निकालने का प्रयत्न करना चाहिए किसी शायर ने कहा है मंजिले हस्ती में दुश्मन को भी अपना दोस्त कर मंजिले हस्ती में दुश्मन को भी अपना दोस्त कर रात हो जावे तो दिखलावे तुझे दुश्मन चिराग सच्चे हृदय से दुश्मन को भी दोस्त बना लेने पर दुश्मन भी भला कब तक दुश्मनी अपने हृदय में पाल कर रखेगा मनुष्यों को लूट कर उनकी उंगुलियाँ काटकर का उनकी माला पिरो कर गले में धारण करने वाला डाकू अंगुली माल और प्रतिदिन छह पुरुषों और एक स्त्री का घाट करने वाला अर्जुन माली भी अध्यात्म बल के कारण परिवर्तित हो गए उन्होंने अपने दानवी रूप को देवत्व में परिणत कर लिया मनुष्य की तो बात ही क्या है पशु पक्षी भी प्रेम को और दया को पहचान लेते हैं महाविष्ठर नागराज चंड कौशिक ने जब भगवान महावीर के नेत्रों में अपने प्रति असीम स्नेह आत्मीयता करुणा और वात्सल्य का भाव देखा तो जीवन पर्यंत किसी को ना डसने का कर लिया। तदनंतर तब जब तक वह जीवित रहा उसने मनुष्यों के द्वारा पहुंचाई गई अनेकानेक चोटों और प्रहारों को समभावपूर्वक बर्दाश्त और सहन किया स्विट्जरलैंड में दो महिलाएं एक सेवा आश्रम के लिए डोनेशन इकट्ठी करती हुई घूम रही थी सामने की ओर से एक सूटेड बूटेड लिटरेट व्यक्ति को आते हुए देखकर उन्होंने आश्रम का परिचय देते हुए रसीद बुक उसके हाथ में थमा दी और गरीब रोगियों की मदद के लिए कुछ ना कुछ देने का आग्रह किया वह बहुत ही बदतमीज किस्म का व्यक्ति था रसीद बुक पढ़कर पहले तो उसने जोर से अट्टहास किया और फिर अपने मुँह से पान की पिचकारी उन महिलाओं के वस्त्रों पर डाल दी किंतु फिर भी उन्होंने कोई रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं की सहिष्णुता पूर्वक विनीत स्वर से कहा बंधु पान की पिचकारी के लिए तो आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है किंतु अब आप गरीब रोगियों की इमदाद के लिए भी अपनी ओर से कुछ ना कुछ जरूर देने का प्रयत्न करें उनकी इस तरह की विनम्र वाणी सहिष्णुता और टॉलरेंस क्षमा के गुण से वह पत्थर दिल युवक भी पसीज गया उसे अपने बर्ताव पर हार्दिक पछतावा हुआ उसने अपने पर्स की सारी राखी जो लगभग 500 डॉलर थी निकालकर उस सेवा आश्रम में चंदे के रूप में दे दी और बार बार अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए भविष्य में किसी के साथ भी ऐसी गलती ना करने की प्रतिज्ञा और संकल्प किया बंधुओं ऐसी घटनाओं से जाना जा सकता है कि क्षमा और प्रेम के गुण से क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी परिवर्तित किया जा सकता है सबसे बड़ा तप क्षमा ही है तभी तो कहा गया है क्षमा वशीकृति लोके क्षमा किमना साध्यते क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है और क्षमा से कुछ भी होना नामुमकिन और असंभव नहीं है शांति तुल्यम तपोनाशि क्षमा के बराबर कोई दूसरा श्रेष्ठ अनुष्ठान नहीं है जिससे आत्मा का कल्याण हो सकता हो बंधुओं मानव स्वभाव से ही पर्व प्रिय है एक दृष्टि विचार आस्था धर्म और संस्कृति के लोग जिस विशेष दिन की सामूहिक रूप से मिलजुल कर आराधना करते हैं उसे पर्व कहा जाता है पर्व भूली बिस्री स्मृतियों को हृदय पटल पर पुनः अंकित करने के लिए आते हैं कहा भी गया है आते हैं पर्व कुछ इतिहास बताने भूतकाल का भूला संदेश सुनाने पर भूली बिसरी बातें हमें दोबारा याद करके तरोताजा करने के प्रयोजन से ही हमारे जीवन में आते हैं विशेष रूप से नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाकांड ना करने वाले लोगों के लिए ही पर्वों की आराधना का विधान बनाया गया है ताकि वे इन विशेष दिनों स्पेशल डेज में आत्मनिरीक्षण सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपने चारित्र को शुद्ध कर सकें और जीवन पथ पर अभ्युदय की ओर अग्रसर हो सकें आगे बढ़ना उनके लिए मुमकिन और संभव हो सके पर्व दो प्रकार के होते हैं लौकिक और लोकोत्तर लौकिक पर्वों में सांस्कृतिक प्रांतीय और राष्ट्रीय पर्वों का समावेश हो जाता है इनमें तप त्याग की नहीं बल्कि आमोद प्रमोद मनोरंजन एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन की प्रधानता रहती है जैन परंपरा में संवत्सरी महापर्व आध्यात्मिक पर्वों में सर्वोपरि है परयूषण पर्व के अंतिम और आठवें दिन को संवत्सरी कहा जाता है एक साल के बाद आने वाली तिथि जबकि व्यक्ति विशेष रूप से आत्मनिरीक्षण करके मन वाणी और शरीर के द्वारा सेवित किए गए पापों का प्रायश्चित और पश्चाताप करता है उसे संवत्सरी कहा जाता है संवत्सरी के दिन व्यक्ति विशेष रूप से आध्यात्मिक साधनाएं करता है बाह्य प्रवृत्तियों से सर्वथा निवृत्ति लेकर आत्मचिंतन और मनन करता है वह आत्मलीन होकर निश्चल चित्त से धर्म की साधना और आराधना करता है संवत्सरी पर्व का विशेष उद्देश्य है अपने से रुष्ट और नाराज हुए लोगों से क्षमा याचना करके मैत्री के मीठे और मधुर संबंधों को स्थापित करना और वैर विरोध को तिलांजलि देना जीवन में गलतियों भूलों मिस्टेक्स और एरर्स का होना स्वाभाविक है मानव गलतियों का पुतला है क्योंकि वह अपूर्ण है केवल पूर्ण और परफेक्ट लोग ही गलतियां नहीं करते किसी शायर के मुताबिक उससे हुई खता तो बुरा मानते हो क्यों उससे हुई खता तो बुरा मानते हो क्यों वह भी तो आदमी है कोई देवता नहीं गलती को स्वीकार कर लेना वीरता है उसे ना दोहराना विवेक है अपनी त्रुटियों के लिए हृदयपूर्वक क्षमा याचना करना और दूसरों की भूलों को माफ करना यही सांवस्तरिक परवाराधन का विशेष उद्देश्य है उदार हृदयी लोगों के लिए क्षमा करना सुगम और आसान होता है किंतु गलती करने वालों के लिए क्षमा मांगना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होता है क्योंकि ऐसा करने में उन्हें हीनता और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की अनुभूति होती है अहंग को विगलित किए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी गलती के लिए क्षमा नहीं मांग सकता और महंता के राजपथ पर आगे बढ़ पाना भी उसके लिए संभव नहीं होता कुछ हृदय के लोग क्षमा के दैवी गुण डिवाइन क्वालिटी की महत्ता और इम्पॉर्टेंस को नहीं समझ पाते क्षमाशील लोगों के लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं क्षमा ना करने वाला व्यक्ति उस पुल को ब्रिज को तोड़ देता है जिस पर कभी उसे स्वयं भी चलने की जरूरत और आवश्यकता पड़ सकती है समझ लीजिए भलाई का बदला बुराई से देना शैतानियत है भलाई का बदला भलाई के रूप में चुकाना ये इंसानियत और ह्यूमैनिटी है और बुराई का बदला भी भलाई के रूप में देना यही दिव्यता श्रेष्ठता और महानता है जब तक व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं मांगता और दूसरों की त्रुटियों को क्षमा नहीं करता तब तक उसका हृदय अशांत बना रहता है क्षमा का विचार व्यक्ति के लिए सुंदर जगत और सुंदर कायनात का निर्माण करता है वाद विवाद और कन्फ्रंटेशन करने की बजाय दूसरे से अपने मन और दिल को मिला लेना ज्यादा श्रेष्ठ होता है दोष को स्वीकार करने कन्फेस करने मात्र से मानो आधी शुद्धि हो जाती है दूसरे की गलती को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए क्योंकि गलती हो जाना मानवीय स्वभाव है और क्षमा करना महानता का लक्षण है टू एर इज़ ह्यूमन टू फॉर्गिव डिवाइन दूसरे की गलती की अपने हृदय में स्मृति और मेमोरी भी नहीं रखनी चाहिए यदि ऐसा ना किया जाए तो किसी से नाराज़गी का कोई कारण और कोई वजह भी नहीं बन पाती अपने हृदय में किसी की गलती को हमेशा याद रखना ही दूसरों के प्रति नाराज़गी के भाव को उत्पन्न करने के लिए ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल बनता है यदि दुनिया के लोग व्यक्ति की असलियत और रियलिटी को नहीं जानते वह जगत में पाक साफ दिल पवित्र और प्योर हार्टेड व्यक्ति के रूप में जाना जाता है तो भी उसे अपने प्रति ईमानदार ऑनेस्ट और प्रामाणिक होकर रहना चाहिए अपना अंतर निरीक्षण करके अपनी गलतियों और भूलों को सच्चे मन से स्वीकार करके उनके लिए प्रायश्चित पछतावा और पश्चाताप करना चाहिए कहा भी गया है अपने गुनाहों पर नज़र कर, अपने गुनाहों पर नजर कर, अपने ऐबों को तू देख अपने गुनाहों पर नजर कर, अपने ऐबों को तू देख क्या हुआ गर्खल में तू पारसा मशहूर है अगर तू दुनिया में पवित्र व्यक्ति भी जाना और माना जाता है किंतु अगर तेरा अंत्यकरण मलिन और गंदा है तो यह पर्व हमें यही संदेश देता है कि कम से कम आज के दिन तो एकांत में बैठकर अपनी गलतियों को कन्फेस और एडमिट करते हुए भविष्य में उन्हें ना दोहराने का संकल्प प्लज और प्रॉमिस अपने आप से अपने अंतर मन से किया जाए क्षमा दुर्बलों का नहीं वीरों का आभूषण है कहा भी गया है क्षमा वीरस्य भूषणम कमजोर और कायर व्यक्ति ना तो किसी से क्षमा मांग सकता है और ना किसी को माफ कर सकता है आत्मिक शक्ति और मनोबल के धनी व्यक्ति अपनी गलती की अनुभूति करके आत्मशुद्धि के लिए प्रयास और पर्यटन करते हैं क्षमा का आदान प्रदान व्यक्ति के हृदय कोष को आहलाद से परिपूर्ण कर देता है दुनिया के सभी प्राणियों के साथ उसके प्रेम और मैत्री के सूत्र संबंध बॉन्ड्स सुदृढ़ मजबूत हो जाते हैं वह निर्भय और निर्वैर बन जाता है आज इस क्षमा पर्व के पुनीत दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय से वैर विरोध विद्वेश और वैमनस्य को बाहर निकालकर इनकी जगह प्रेम मैत्री और प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता अनुकंपा और अपनेपन की भावना की प्रतिष्ठा करनी चाहिए तभी इस पर्व की आराधना करना सफल और सार्थक हो सकता है मनुष्य के द्वारा पापों का किया जाना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा है पापों को स्वीकार न करना और उनके लिए प्रायश्चित ना करना दार्शनिक लॉन्ग फैलो ने कहा है कि मैन लाइक इट इज टू फॉल इन टू सिं फ्री लाइक इट इज टू फॉल देयर इन क्राइस्ट लाइक इट इज फॉर सिन टू ग्रीव गॉड लाइक इट इज आल टू लीव पाप में पढ़ना मानव का स्वभाव है उसमें डूबे रहना शैतान की फितरत है उस पर दुखी होना संत का स्वभाव है और सारे पापों से मुक्त आजाद हो जाना यही परमात्मा का स्वभाव और परमात्मा की नेचर होती है पापियों के हृदय में भी आत्मा का प्रकाश होता है जो पश्चाताप करते ही प्रकाशित हो जाता है इल्यूमिनेट हो जाता है मार्टिन लूथर किंग ने इसीलिए तो कहा है द रिकग्निशन ऑफ सिन इज द बिगनिंग ऑफ साल्वेशन अपने पापों की स्वीकृति मुक्ति का श्री गणेश है पश्चाताप हृदय में प्रज्वलित होने वाली वह अग्नि है जिसमें भूतकाल के सारे कृत यानी किए हुए पाप जलकर भसम हो जाते हैं और जिसके कारण मन की भूमि भविष्य के लिए पाप कर्मों का प्रसव करने से रुक जाती है कुछ व्यक्ति कहते हैं कि विगत के लिए पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं इतना ही नहीं उनके मतानुसार तो पश्चाताप करना अपनी आत्मा को लेट डाउन करना और गिराना है किंतु ऐसा सोचने और समझने वालों की दृष्टि बड़ी दूषित होती है ऐसा वही व्यक्ति सोचते हैं जिनके सामने कोई महान लक्ष्य नहीं होता जिन्हें आत्मशुद्धि की महत्ता का कोई ज्ञान और कोई बोध नहीं होता राष्ट्रपिता गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में लिखते हैं गलतियां करके उनको मंजूर करके और उन्हें सुधार करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूं पता नहीं क्यों किसी के वर्जने और चेतावनी देने से सुधर पाना मुझे नामुमकिन और असंभव प्रतीत होता है ठोकर लगे और दर्द हो तभी मैं कुछ सीख पाता हूं एक कवि ने भी यही भाव बड़े सुंदर ढंग से बताया है यह रक्त चूसती धरा शीश पर लदा व्योम तू क्यों जीवन को व्यर्थ समझकर रोता है हर नई पीड़ हर नई टीस हर नई कसक का भी तो कुछ मतलब होता है प्रत्येक गलती प्रत्येक भूल प्रत्येक मिस्टेक प्रत्येक एरर प्रत्येक अपराध व्यक्ति को कुछ ना कुछ शिक्षा सबक और लेसन देता है भूतकाल को बदला नहीं जा सकता किंतु भविष्य को सुधारना भविष्य का अच्छा निर्माण करना यह तो आपके अपने ही हाथ में है बंधुओं इसलिए गलती वह शिक्षा है जो ठोकर लगाकर हमें जीवन का सही मार्ग और सही डायरेक्शन दिखाती है इसीलिए तो कहा गया है कि कभी भी ना गिरने में हमारा गौरव नहीं बल्कि हमारा गौरव हर बार मजबूती से गिरने के उपरांत फिर से खड़े होकर कल्याण के पथ पर मजबूत कदमों से आगे बढ़कर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने में है कहा गया है एरर द ब्लाइंड हर सेल्स ब्रिंग्स फॉर चिल्ड्रन दैट कैन सी गलती हालांकि स्वयं अंधी है किंतु यह ऐसी संतान को जन्म देती है जो देखने की शक्ति और ताकत रखती है प्राय विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के बहाने एक्सक्यूज बनाकर और विभिन्न प्रकार की हेरा फेरियाँ और मक्कारियां करके अपने पापों को ढकने और छिपाने का पर्यटन करते हैं धनी धनाढ़ अधिकार संपन्न और दूरद किस्म के लोग अपने दुराचारों पर धन और सत्ता का पर्दा डालकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकने दूसरों को बुद्धू और मूर्ख बनाने में अपनी होशियारी बुद्धिमानी और समझदारी मान लेते हैं किंतु ऐसे व्यक्ति भूल जाते हैं समझ नहीं पाते कि इस तरह दूसरों की आंखों में धूल झोंक कर उन्होंने दुनिया को नहीं ठगा बल्कि अपने आप को ठगा है अपनी आत्मा को दूषित और कलंकित किया है एक कहावत भी है खाई के परे रहो मार के टरे रहो खाना खाने के उपरांत भोजन को पचाने के लिए जैसे लेट जाना जरूरी है उसी तरह कुकर्म को पचाने के लिए घटना स्थल से रफू चक्कर हो जाना नौ दो ग्यारह हो जाना ताकि कोई आपको देख न सके यही पर्याप्त और सफिशियंट होता है किंतु ऐसे लोगों की यह धारणा बिल्कुल गलत निर्मूल और निराधार होती है नीतिकारों ने एक प्रश्न पूछा अमरनाथ किम शल्यम जीवन पर्यंत मौत तक शल्य कांटे की तरह क्या व्यक्ति के हृदय में चुभता है इसका जवाब भी उन्होंने दिया प्रच्छ यत कृतम अकार्यम छिपकर किया हुआ अपराध टिल डेथ नहीं बल्कि मौत के बाद भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता उसे हैरान परेशान और आकुल व्याकुल करता है इसीलिए तो आज के दिन आलोचना करने की प्रेरणा दी जाती है हमें दूसरों के जीवन पर दृष्टिपात करने का कोई अधिकार नहीं है हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता स्वयं है मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ इज ओन फेट एंड डेस्टिनी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह अपना जीवन जैसा बनाना चाहे जैसा बिताना चाहे बना और बिता सकता है इसलिए दूसरों पर आक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह पर्व हमारे सामने अंतर निरीक्षण, अपने आप का पर्यवेक्षण अपने आप को देखने का अमूल्य संदेश लेकर उपस्थित होता है तो बंधुओं आज के दिन हम अपने वर्ष भर के जीवन का हिसाब किताब करें अकाउंट को तैयार करके उसकी भली भांति जांच पड़ताल करें कि हमने क्या कुछ कमाया और क्या कुछ खोया है तहीं हमने किसी के प्रति नफरत वैर कदूरत और वैमनस्य की गांठ मजबूती से अपने अंत्यकरण में बांधकर कर तो नहीं रख ली क्योंकि अगर ये गांठ एक साल से अधिक समय तक हमारे हृदय में बंदी रहेगी तो हमारा कषाय अनंतानुबंधी का कषाय बन जाएगा और वह सिर्फ अगले जन्म नहीं बल्कि उसके बाद जन्म जन्मांतर तक हमारे आवागमन के चक्र में रुलने की भूमिका तैयार करेगा इसलिए आइए आज क्षमा पर्व के दिन हम दूसरों को क्षमा करने का भाव अपने हृदय में लाएं अपनी गलतियों को एडमिट करें कन्फेस करें सिर्फ उन लोगों से क्षमा याचना ना करें जिनके साथ आपका आत्मीयतापूर्ण अभिन्न संबंध है बहुधा ऐसा ही होता है यह पर हमें यह संदेश देता है कि जिनके साथ हम आंख से आंख नहीं मिला सकते जिन्हें देखते ही हमारे हृदय में खिन्नता प्रतिशोध की दुर्भावनाएं पैदा होती हैं आज के दिन हम अपनी मलिन भावनाओं को अपने हृदय से निकालकर उनके साथ भी प्रेम और मैत्री के मीठे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करें ऐसा करना इस पर्व को सफल और सार्थक बनाना होगा बस आज इतना ही और अधिक नहीं ओम शांति ओम शांति ओम शांति